कल जो हमने वीडियो अपलोड करा था राइस्टार हैकर विद ऑल द प्रूफ्स, उसके बाद समझो कम्युनिटी में पूरी की पूरी आग ही लग गई। इतने सारे मेंशंस आए, इतने सारे डीएम्स आए, इतने सारे कमेंट, एंड गाइस लिटरली इस लेवल का सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सपोर्ट दिखाया और आप सभी लोगों ने मतलब समझो तो तहलका आग सा मचा दिया पूरी कम्युनिटी के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं हेट भी देखने को मिला दोनों साइड से, राइस्टार को भी बहुत ज्यादा हेट मिली, बहुत सारे लोगों ने अनफॉलो कर दिया उसको, एंड मेरे को भी कहीं कहीं कमेंट में हेट मिला कि ये स्क्रिप्टेड है, ये फेक है, ऐसा वैसा करके ना जाने अलग अलग सबके अलग अलग अपने अपने खुद के ओपिनियन थे। बट आज सारा का सारा सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है आपसे भी लोगों के सामने, क्योंकि देखो भाई मैं नहीं चाहता कोई भी चीज को हम बीच में खत्म करें, और आज हम सारी की सारी चीज को विद प्रूफ वापस प्रूफ कर देंगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि तुम्हारा भाई जब जब बोलता है प्रूफ के साथ बोलता है, और इतिहास गवाह है कि आज तक मैंने कभी भी किसी के ऊपर एलिगेशन बिना प्रूफ के नहीं लगाया है। तो चलो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। कल ये वीडियो अपलोड होने के बाद ना भाई पूरे यूट्यूब पे हंगामा मच गया, मतलब तुम लोगों ने मचा दिया भाई, इतने सारे चैनल पे हर जगह राइस्टार हैकर, राइस्टार एक्सपोज, राइस्टार आईडी बैन, राइस्टार पैनल यूजर, ऐसे कर करके ना जाने कितने ही सारे 24 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड हो गए, कितने सारे शॉर्ट्स अपलोड हो गए, सबने मेरी वीडियो को कॉपी करके उठा उठा के डाल के अपना अपना ओपिनियन सबने दिया, और भाई हर किसी के लाइव स्ट्रीम में लिटरली जहां कहीं भी लाइव स्ट्रीम चल रहा है वहां पे स्पैम हो रहा है राइस्टार हैकर बॉस ऑफिशियल की वीडियो देखो, जितने स्ट्रीम मैंने जो जो स्ट्रीम देखा, क्लासी नॉनस्टॉप, अमित भाई, टोटल गेमिंग, ज्ञान भाई, राइस्टार और न जाने जितने स्ट्रीमर, सबके स्ट्रीम में यही चल रहा था राइस्टार हैकर, राइस्टार हैकर, मतलब अलग लेवल का भाई, अलग लेवल का हाइप तुम लोगों ने बना दिया। वेल डन। अब मैं तुम लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहूंगा यहां पे राइस्टार और ज्ञान भाई की। हेलो क्या हुआ, बोल। उस एक बंदे ने वीडियो डाला, उसमें पैनल वैनल का उसका दिख गया, हां उसने मतलब ओपन ही रखा था। अबे राय, तो उसके बाद राय और तो बॉस तो दोस्त है साला, वो सब कुछ और क्या था? क्या हुआ है? क्या क्या हुआ क्या? मैं बोला कोई बैन हो गया और क्या? बैन हो गया? कितने दिन के लिए बैन हुआ? क्या हुआ था? कुछ हुआ है क्या? अरे मैंने पैनल लगाया था। ऊपर से भाई फरिश्ते भी आके बोल के तो बेइज्जती कर सकते हम लोग। अब इस क्लिप में तुम साफ साफ देख सकते हो कि ज्ञान भाई कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑडियंस को, मतलब बंदे को बचाने के लिए क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। गाइस मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लिटरली मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ये इस तरीके की चीजें ये कर रहे हैं भाई राइस्टार को सेव करने के लिए। भाई बंदा हैकर है तो हैकर है, बात खत्म वहीं पे। इतने सारे प्रूफ दे दिए मैंने, लेकिन फिर भी स्टिल इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हैकर नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये प्रैंक है, ऐसा वैसा करके। भाई कैसे तुम ऐसा सोच सकते हो भाई, मतलब कैसे भाई, कैसे कुछ भी कुछ भी। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं भाई, मैं तुम लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ फिर भी तुम लोग वीडियो देखते हो और चले जाते हो बिना सब्सक्राइब किए हुए। भाई साहब आप मेरे को इतना भी मजबूर मत करो कि मैं शॉर्ट्स चैनल की तरह तुमको माँ की कसम देके सब्सक्राइब करवाऊँ, ये करने पे मेरे को मजबूर मत करो। उससे पहले सबके सब प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले घंटे को भी दबा। देखो आज से करीबन 2 साल पहले भी ये सेम सीन हुआ था, सेम सीन क्रिएट हुआ था कि राइस्टार हैकर है या नहीं, जब वो फोन में खेला करता था और इस कम्युनिटी के अंदर नया नया आया था, तो उस टाइम भी बहुत सारे सीन हुए थे। उस टाइम भी कहीं ना कहीं लोग ऐसा बोलते थे कि राइस्टार की आईडी बैन हो गई है, जिसको अनबैन करवाया है ज्ञान सुजन ने। फिर लोग बोला करते थे कि राइस्टार हैक यूज करता है, राइस्टार FFH4X यूज करता है, राइस्टार स्पीड हैक यूज करता है, इस तरीके की 100 बातें थी। उन सारी चीजों का बस आज अंत है, तुम समझो हर चीज का रिप्लाई इस वीडियो में तुम लोगों को मिल जाने वाला, और समझो दिस विल बी द एंड ऑफ राइस्टार। बस आज भाई सारी की सारी तुम्हारी कंफ्यूजन जो भी कुछ है, जिसको तुम भगवान मानते हो, जिस पे बिलीव करते हो, उसकी सारी रियलिटी आज तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो कल तुमने ये वीडियो में क्लिप देखा था पैनल वाला। अबे इतने अबे क्या है ये सब, क्या कर रहा है तू? ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुनना मैं, तू सर्च करियो, कैसा करना होता है बोलना, सुनना मैं बोलूंगा सर्च करने, तू सर्च करियो, जैसे आएगा मैं बोलूंगा अबे क्या ये, तू बंद कर दियो ठीक है, फटाक से बोलियो कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे पहला कंटेंट करा होना चाहिए भाई, एक वीडियो में बोलने के पैनल यूज़र है ठीक है, और मतलब बोल के मतलब पैनल यूज किया होगा तभी ऐसा होता है, ऐसा बोल रहा है। क्यों यूज कर रहा था पैनल बता दे, नहीं बताऊंगा किसी को पक्का, बताना अबे भाई सब के सब ब्रो बनते जा रहे थे, इसके में भी मतलब ब्रो बनने गया था, ओनली रेड पर रेड नंबर मारना था मेरे को।
तेरे को सिर्फ रेड नंबर मारना रहेगा तो तू पैनल यूज करेगा। अरे भाई अबे सुन ना अबे सुन ना मेरे पास। हाँ सुन, बस वीडियो बना एकदम रियल लगना चाहिए, समझ रहे हैं? वो एकदम रियल लगना चाहिए कि मैं पैनल यूज करता हूँ, ऐसा वीडियो बनाना है। सुन ना, हम लोग लड़ाई कर लेंगे लाइव पे भाई, खतरनाक वाला। ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि दोस्ती टूट गया पूरा, समझा? सच लगना चाहिए भाई, तू ये मत कर दे, मतलब सीरियसली बोलना, मतलब थोड़ा बोल के सही से पूरा, मतलब सही में यूज करता था पैनल उस वे में, ऐसा पूरा सुन ना। बताइयो मत किसी को, ज्ञान भाई या किसी को मत बताइयो, ठीक है? वो नहीं बताएगा तो टेंशन मत भाई, मजा आ जाएगा बे। चढ़ गया चूहिया। हेलो, आवाज आ रही मेरी? गाइज ये तो प्रैंक हो गया ना आपके साथ। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, मेरे को भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। देखो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा सीन क्या था कि मैंने और राइस्टर ने मिलकर प्लान करा, ठीक है, कि मतलब बहुत टाइम से ना कम्युनिटी के अंदर कुछ हो नहीं रहा था, सब कुछ शांत शांत सा लग रहा था, तो मजा सा नहीं आ रहा है, ठीक है ना? मतलब एकदम सब कुछ शांत, कोई दिख नहीं रहा, एक्सपोजर वगैरह कोई कहीं दिख ही नहीं रहा भाई। तो हमने सोचा कि कुछ करते हैं, उसके बाद कम्युनिटी में थोड़ा सा आग लगेगा, थोड़ा हाइप जनरेट होगा, मतलब मजा आएगा तुम्हें एक तरीके से, समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके की चीजें प्लान करी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, लिटरली मेरे को और राइस्टर को छोड़ के। राइस्टर इज अ लेजेंड एंड राइस्टर विल बी द लेजेंड। और मैं कसम से बता रहा, मैं इस बंदे पे जितना ट्रस्ट करता हूँ, मेरे को फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर किसी भी बंदे पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो कभी हैक यूज नहीं करेगा। मैं लिख के देता हूँ, कभी भी नूब भी बन जाएगा ना, इससे एक बंदे नहीं मरेंगे, फिर भी ये हैक यूज कभी नहीं करेगा, ना फोन में कभी करा था ना अब कभी करेगा। जब फोन में 2 साल पहले भी लोग इसको सारी कम्युनिटी गाली देती थी ना, हैकर बोलती थी, तब मैं सबसे पहले इसके सपोर्ट में वीडियो बनाया था, उस टाइम भी प्रूफ के साथ बताया था कि हैकर नहीं है, और आज भी मैं ही हूं जो बता रहा हूं कि गाइस ये कभी हैक यूज नहीं कर सकता। वीडियो को शेयर करते ना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी है जो बोल रहे हैकर है, ये है वो है, तो उनको बताओ कि नहीं भाई ये बंदा फेयर है और फेयर ही रहेगा, क्या ही करेगा भाई ये निब्बा। एंड हम मिलेंगे आपसे फेस वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, स्प्रेड लव भाई। कमेंट सेक्शन में गाली मत देके जाना यार, दिल से बुरा लगता है भाई। रूपाली ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनो तुझे रानी।